हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल पहाड़ी सुर ब्लॉगर। आज काफ़ी दिनों के बाद, एटलीस्ट करीब 4 या 5 दिन के बाद मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी मैं हूँ बहुत ही प्यारे खेतों के सामने, मतलब मले था कि लहलाते हरे भरे चमकदार खेतों के साथ के बगल में खड़ा हूँ। और मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ देवप्रयाग के साइड, मतलब मेरे गाँव के साइड, और बीच में मुझे ये जगह दिखी इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। मैंने सोचा अपना इंट्रो यहीं पर शूट कर लेता हूँ। तो एक्चुअली ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे एक तो मतलब मलेथा के बारे में बताना क्या है, मलेथा के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं किसी सेपरेट वीडियो में बना के दिखा दूँगा। तो यहाँ पे एक तो बहुत प्यारे जो खेत हैं ये सारे लहरा रहे हैं। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो मलेथा में रेलवे स्टेशन है वो यहीं पर कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। और पीछे जो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये ब्लू ब्लू जितनी सारी बाउंड्री लगी हुई हैं इधर की साइड पे, और इधर की साइड पे कॉलोनीज वगैरह बनी हुई हैं। ये बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे चल रहा है ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एक वो भी बननी है, एक रेलवे स्टेशन बनना है बहुत ही बड़ा, तो इसलिए जो कम्प्लीट जगह है इसको अधिग्रहित कर दिया गया था काफ़ी टाइम पहले। और कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जिसे बोल सकते हो आप, ये एरिया पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बैक कैमरा से दिखाता हूँ यहाँ की ब्यूटी, ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा, मतलब क्या बताएं यार आपको। ये सारे कॉलोनीज वगैरह बनी हुई हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जितने सारे ऑफिसर्स या फिर वर्कर्स वगैरह रहते होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे रहते हैं। और यहीं से एक नीचे जाने का रास्ता है वहाँ से बगल में से, तो वहाँ जाते हैं। और ये एक बहुत लंबा एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया है, मतलब जब ये बन जाएगा ना उसके बाद आप देखोगे इसको तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ये आपको लगने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं पर हुआ नहीं मेरे से वो पॉसिबल। और ये है नेशनल हाईवे 58 यानी कि 7, और यहाँ हूँ मैं। और ये खेत देखो बस आप, इन खेतों को देख के दिमाग ऐसा हो जाता है ना बिल्कुल शांत एकदम। काफ़ी ज़्यादा शोरगुल है, भीड़ है, लेकिन फिर भी क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं जब भी जहीं पे भी आप मेरे को अच्छी जगह दिखेगी मैं वहाँ पे जरूर रोक के आप लोगों को उस जगह के बारे में बताऊँगा। पहली जगह मुझे ये लगी तो मैंने सोचा देर इज़ नो बेटर प्लेस टू शूट माई इंट्रो, इससे बढ़िया कोई जगह मिलेगी नहीं, सो इसलिए अब नेक्स्ट वाली प्लेस पर देखते हैं कहीं से कुछ अच्छा मिलेगा। और ये मलेथा के मेहनती लोग काम काज पर जाते हुए बोडी जी, और मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये देखो, ये देखिए धान काटा जा रहा है इस टाइम पर। और मतलब जब यहाँ पे काम धाम नहीं होता था बोले तो ये ऑल वेदर वाला काम, सॉरी रेलवे वाला काम नहीं था तो ये कंप्लीट एरिया में खेती होती थी बहुत सही, लेकिन अब नहीं है उतनी। कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग खेती, मतलब काटते हुए गेहूँ धान सर धान। सो दोस्तों, अभी मैं मलेथा से करीब 5 किलोमीटर आगे पहुँच गया हूँ लछमौली पे, और 5 किलोमीटर भी नहीं बोल सकते, करीब 3 किलोमीटर आगे पहुँच गया हूँ लछमौली पे। और यहाँ के बारे में क्या खास बात है वो मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊँगा, पीछे से बैकग्राउंड भी लिया जाएगा आराम से, इसलिए आप वॉइस ओवर इन्जॉय करो। सो जैसा मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया है लछमौली के बारे में, तो यहाँ पे जो देवप्रयाग से टनल स्टार्ट होती है वो टनल आके मिलनी है। अब एक्चुअली किसी भाई ने मुझे बताया था कि वैसे मुझे पता था वो कि जो टनल है वो एक्चुअली जनासू में है, जो इधर की साइड है, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ वो एरिया है टनल का, और मैंने लछमौली का नाम लिया। लेकिन वो जो पूरा होल थ्रू है वो सारा कनेक्ट होना है। अब यहाँ पे ये ब्रिज देखो, ये ब्रिज बन रहा है और बीच में इसके पियर्स वगैरह भी दिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, फिर मैं जूम करने लगा हूँ। तो ये सारे पियर जो लगे हुए हैं ये यहाँ से और उस पार्ट को कनेक्ट करेंगे। मैं आपको गूगल मैप भी दिखा देता हूँ किस पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। सो छोटा सा पोर्शन ऑफ गूगल मैप मैंने ऐड कर दिया है, तो इधर की साइड है जनासू और इधर की साइड है लछमौली, और ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए मैंने उस टाइम पर पूरा लछमौली ही बोला। अब नाम उसका रेलवे स्टेशन लछमौली है तो इसलिए लछमौली ही बोलना सही रहेगा, जनासू होता तो जनासू बोलते। सो ये है उसकी एक्चुअल लोकेशन गूगल मैप पर, आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन अभी गूगल मैप अपडेट नहीं हुआ है तो इस वजह से जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये काम अभी लछमौली वाला काम अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 6 महीने शुरू होंगे, 6 महीने या 1 साल के करीब करीब लगा होगा। तो वापस आ जाते हैं हम ऑन साइट पर और देखते हैं कि क्या क्या सीन यहाँ पर चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर भी काम बड़े ही तेज़ गति से चल रहा है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अभी भी किसी भी आप रेलवे स्टेशन में जो बन रहा है उसमें ऐसे नहीं दिखाता। और ये यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे ट्रक जो है बहुत ही गंदा ओवरटेक ले रहा है, और हो सकता था इसका कुछ अगर उधर से कोई गाड़ी वाड़ी आती है। ये नेशनल हाईवे 58 है और जब से चौड़ा हुआ है, ऑल वेदर वाला काम हुआ है, तब से यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होने लगे हुए हैं। खैर, ऑल वेदर की भी कंडीशन मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में।
तो यहाँ पे कम्प्लीटली आप वाइड एंगल से व्यू ले सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है लक्ष्मण जी। ये वो और जगह अभी मैं है थोड़ा जिसके सा बारे आगे में आ गया आपको मतलब कुछ काफी टाइम आगे पहले आ गया मैंने हूँ आपको देवप्रयाग बताया के था, पास। अब यहीं पे देवप्रयाग टनल के पास वगैरह का टनल काम मैंने शुरू आपको हो जो रखा बताई है थी और इस वीडियो में एक वीडियो में, तो यही यही है वो टनल एरिया है और जहाँ जो पे मैं आपका लक्ष्मण जी टनलिंग का पहले वाले काम की जो है बात वो कर रहा बहुत हूँ, ही यही चल रहा टनल है था जो जाके और दैट लक्ष्मण हैज़ जी टू बी मिलने वाली है। कनेक्टेड तो करीब एट द पॉइंट, तो ये रेलवे दिस इज द टनल जो पॉइंट देवप्रयाग वेयर से द शुरू होने लक्ष्मण वाली है, इसकी लंबाई स्टार्ट है द लक्ष्मण 14.7 टनल किलोमीटर स्टार्ट फ्रॉम एंड और द होल कंस्ट्रक्शन इज इसको बीइंग परफॉर्मड इंडिया की सबसे बीइंग लंबी अंडर रेलवे कंस्ट्रक्शन, द टनलिंग होल के एरिया रूप इज में अंडर जाना जा रहा है कंस्ट्रक्शन, जो अभी क्या काफी बोल रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। द होल एरिया इज बीइंग तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हो डेवलप्ड गई है देवप्रयाग के इन पास, सच अ और मैनर ये जो दैट ऊपर आप रोड देयर देख शुड रहे हैं बी जाते हुए ये जाती नो है पौड़ी, डिस्टर्बेंस देवप्रयाग टू से द पौड़ी फ्री वाली फ्लो रोड, ऑफ तो द उसके बिल्कुल ट्रेन जस्ट नीचे पे एंड ये काम विल गो शुरू हो फ्रॉम रहा है। देयर और एंड रेलवे वो स्टेशन रास्ता के जो बारे आपको में तो दिख मैं रहा आपको है बताते ही रहता हूँ, ये रेलवे आपका स्टेशन पौड़ी थोड़ा सा जाता है पौड़ी से, पहले पर जाता है और पौड़ी की जहाँ पे मैं देवप्रयाग में मुझे शुरू दौड़ी होती थी है बागेश्वर, वहाँ पे और रेलवे स्टेशन दिस इज बनता है। मी एंड ये मेरे पीछे जो आप सामान देख सकते हैं ये वो है और यहाँ पे कुछ बदबू जैसी भी आ रही है, सो आई नीड टू गो फ्रॉम हेयर। सो अभी आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि अचानक ही लोकेशन कहीं चेंज हो गया। सो ये वीडियो मुझे करीब एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप पर भेजी गई थी और इसमें जो चीज़ मैं लिखने वाला हूँ मुझे लगा बीच में लिखा उस टाइम, इस वीडियो को भी काफ़ी टाइम हो गया था शूट करे हुए। तो एक्चुअली ये वही वायरेक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ पड़ गए थे। तो इसका अप्रोच उस टाइम पर बना नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये पार्शली जो है उसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साइड की रोड जो है वो अभी भी वैसी वैसी है। तो मैंने सोचा एक बार ही आपको दिखा देता हूँ, आपको भी थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही होगी कि उस टाइम से उस पुल का यानी कि वायडक्ट का हुआ क्या है। सो उसको मैं ब्रिज इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ब्रिज होता है वाटर बॉडी के ऊपर कनेक्ट करने वाला दो साइड्स को, लेकिन ये सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही है एलिवेशन ऊपर करने के लिए, रोड का एलिवेशन ऊपर करने के लिए, इसलिए इसको वायडक्ट कहा जाएगा। सो इसका अप्रोच ऑलमोस्ट मिट्टी से तो अर्थवर्क से तो हो चुका है कम्प्लीट आई गेस, बाकी अभी पेमेंट का अलग बात है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, अब ये थोड़ी छोटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसके बाद मेरे पास था मटेरियल शूट करने के लायक, लेकिन उसके बाद होने लगी थी बारिश और उसके बाद फिर शूट कर नहीं पाया मैं। सो इस वीडियो में इतना ही है और जो इसके बाद आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितने सारी कंडीशन ऑल वेदर की ख़राब हो रखी है, जिस ऑल वेदर को लोग ऑल वेदर का नाम दे रहे थे, बोल रहे थे कि हर किसी वेदर में एक्सेसिबल हो सकती है, उसका कितना बुरा हाल हो रखा है ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। मतलब क्या ही बोलूँ यार, बहुत भयंकर ही हाल है। तो इसलिए वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, कल या परसों तक आएगी वो वीडियो। तो अभी मैंने ये वाली डाली है, एक मैं ऐसी लाइफस्टाइल का व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं आज घर में हूँ, संडे था, तो इस वजह से आज आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये है बात, तो टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपने देखने के लिए क्लिक किया है, छोटी वीडियो है पर कोई नहीं, इतना एडजस्ट हो जाएगा एक दो दिन। सो थैंक यू, मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।